गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आठवीं क्लास की एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर है रेक्टेंगल स्क्वायर, तो सबसे पहले अपने पास क्वाड्रिलेटर क्या होती है कि कोई भी फिगर है जो फोर साइड से क्लोज हो, ठीक है। कि जैसे कोई भी फिगर जिसके कितनी साइड हो, चार हो, ये भी क्या आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है, ये भी क्या है क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। और ये भी क्या बनेगी, एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक। तो रेक्टेंगल स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये सारे अपने पास क्या है क्वाड्रिलेटर है। उसके बाद आता अपने पास स्क्वायर रेक्टेंगल, सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। देखिए सबसे पहले क्या आता है पैरेललोग्राम, ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या है एक ही पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी कि ए क्वाड्रिलेटर हैविंग अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। कि कोई भी फिगर है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, कि कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम। जैसे ए बी है वो इक्वल है डी सी के, और ए बी है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। ऐसे ही एडी है वो इक्वल है बीसी के, और एडी है वो पैरेलल भी होगा बीसी के। और जो भी पैरेललोग्राम बनेगा हर एक के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस ए ओ इक्वल होगा ओसी के, और ओ बी है वो इक्वल होगा ओ डी के। ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये होता है आपका पैरेललोग्राम। उसके बाद आते हैं स्क्वायर पे, ठीक है। तो स्क्वायर क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी होंगी, इसका ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, और चारों साइड इक्वल होती है। जो जिस फिगर के चारों एंगल 90-90 के हो, हर एक साइड क्या हो, चारों साइड इक्वल हो, और दोनों डायगोनल इसके इक्वल होते हैं और 90 पे बाइसेक्ट भी करते हैं, इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं और 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास स्क्वायर। उसके बाद आते आपके पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, देखिए जिसके चारों डायगोनल दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल इसके भी 90 पे बाइसेक्ट कर जाते हैं, इसके जो ये अपने पास डायगोनल है ना, इसके जो डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं कि इस फिगर के जो डायगोनल है वो अपने पास क्या करेंगे बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, और अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल की ये साइड इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होती है। उसके बाद आती है रोम्बस, ठीक है। क्या आती है रोम्बस। अब रोम्बस में और इसके अंदर आपका जो ये है स्क्वायर क्या देखने से, देखो इसके तो चारों साइड स्क्वायर की भी इक्वल होती है, रोम्बस की भी इक्वल होती है। रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं। इसके जरूरी नहीं है कि ये दोनों डायगोनल इक्वल हो, अगर इस रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो वही रोम्बस हमारा स्क्वायर हो जाएगा, वही रोम्बस क्या बन जाएगा स्क्वायर। हम इसका अपोजिट ये भी बोल सकते हैं कि हर एक स्क्वायर है वो हमारी रोम्बस होती है, कि ईच स्क्वायर इज ए रोम्बस, ठीक है। अब हम देखो रेक्टेंगल क्या है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स, की कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसने बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल है वो सारे स्क्वायर होते हैं, कि इसका मीनिंग जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो सारी स्क्वायर की होनी चाहिए, स्क्वायर सेटिस्फाई करे। देखो रेक्टेंगल की तो दो अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो ये भी और ये भी, ये तीनों फिगर पैरेललोग्राम होती है। रोम्बस भी पैरेललोग्राम होती है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, और ये
आपका रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, कि जितने भी रोम्बस है वो सारे पैरेललोग्राम में होते हैं, क्योंकि इनके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो ए पैरेललोग्राम। देखो जितने भी स्क्वायर है, अभी अभी बताया था मैंने, वो सारे क्या होते हैं, रोम्बस होते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल भी 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर की भी होती है। बस इतना है कि अगर दोनों ये डायगोनल सेम हो जाए तो इसी को हम रोम्बस बोल देंगे, इसी को सॉरी हम स्क्वायर बोल देंगे, और डायगोनल अलग अलग है तो रोम्बस बोलते हैं। ठीक है, अगर इक्वल है डायगोनल तो भी हम इसको स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, रोम्बस। तो ये क्या हो जाएगी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, जितने भी स्क्वायर है वो सारे हमारे रोम्बस होते हैं और पैरेललोग्राम भी होते हैं। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। तो ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि जितने भी स्क्वायर है वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब देखो काइट की फिगर क्या थी आपकी, ये तो रोम्बस की फिगर है कि रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं और चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती है। काइट की है कि इसकी जो ये दोनों साइड इक्वल मिलेंगी और ये दोनों इक्वल होती है। ठीक है, ये आपका काइट है और ये क्या है, रोम्बस। ठीक है, तो इसमें तो देखो ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये है, ये तो काइट बन गया, और ये क्या है आपकी, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो जो काइट है वो सारे रोम्बस नहीं होंगे, जो काइट है वो रोम्बस नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट। हाँ, जो ये रोम्बस है ना इसको हम काइट बोल सकते हैं, क्योंकि क्या कंडीशन है, देखो इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए। काइट की क्या डेफिनेशन है कि जो एडजेसेंट साइड है ना, ये और ये और ये दोनों क्या हो, बराबर हो, एडजेसेंट साइड, ये और ये इक्वल होती है, कि ये इसके इक्वल होगी, ये और ये दोनों इक्वल है। बट रोम्बस में भी तो ये और ये इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये कंडीशन दोनों की सेटिस्फाई है ना, तो इसलिए रोम्बस को हम काइट बोल सकते हैं कि ऑल रोम्बस आर काइट। ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। अब देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, कि अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, कि ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन है हमारे पास कि ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, केवल ए पेयर ऑफ की, देखो ये एक पेयर ये है, ये दो लाइन पैरेलल होंगी, बाकी कंडीशन नहीं है, तो ये दोनों लाइन इसमें भी पैरेलल है ना, कि ये फिगर इसके अंदर आती है, तो इसलिए जितने भी पैरेललोग्राम है वो सारे क्या होते हैं अपने पास, ट्रेपीजियम होते हैं। बट ट्रेपीजियम है वो जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम हो। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। हाँ, स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ट्रेपीजियम होते हैं। तो जी जी ये भी ट्रू है, और आपका ये भी क्या है, ट्रू है, कि ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, क्योंकि जितने भी स्क्वायर की तो क्या चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। बट ट्रेपीजियम स्क्वायर, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन है कि ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। इसकी क्या है, इसकी भी तो देखो ये पैरेलल है ना, ये अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये फिगर है ये भी क्या होगी, ट्रेपीजियम, की हर एक स्क्वायर है वो भी ट्रेपीजियम होगा, और जो रेक्टेंगल है वो भी आपका ट्रेपीजियम बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, देखिए क्या है। देखो क्या क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेट दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। क्या है देखो, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेट, क्वेश्चन नंबर टू, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, और दूसरा पार्ट है इसका ए बी फोर राइट एंगल, फोर
देखो फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ है तो वो तो किसमें होती है अपने पास, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ स्क्वायर की भी, और एक फिगर और होती है क्या, रोम्बस की, दोनों की चारों साइड इक्वल होती है और चारों की लेंथ इक्वल होती है। फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल तो कौन सी में होते हैं आपके पास, देखो एक तो किस में होते हैं, रेक्टेंगल में, और एक स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में दोनों में चार राइट एंगल होते हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में क्या है देखिए, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, हाउ एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, एस हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, दूसरे पार्ट में है इसके, ए पैरेललोग्राम और तीसरे पार्ट में है ए रोम्बस और फोर्थ पार्ट में है ए रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हाउ ए स्क्वायर, अपने पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर है ए बी सी डी, इसको ओ बोल दिया, स्क्वायर है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटर होगा। देखो स्क्वायर के भी चार साइड होती हैं और क्वाड्रिलेटर के भी चार साइड होती हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर बिकॉज स्क्वायर हैज फोर साइड एंड क्वाड्रिलेटर हैज आल्सो फोर साइड ऑफ क्लोज फिगर होती है। ए पैरेललोग्राम अभी बताया था कि स्क्वायर के अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की भी डेफिनेशन यही है कि जो कोई भी फिगर है जिसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल एंड इक्वल सो इट इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस की क्या है, अब देखो ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल सो स्क्वायर इज ए रोम्बस। रोम्बस की भी यही है ना कि जिसकी चारों साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो 90 पे राइट पे, तो इसलिए जो स्क्वायर है वो रोम्बस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। जो ये रोम्बस है हमारे पास, इसकी क्या कंडीशन है कि चारों साइड इक्वल होंगी रोम्बस की और दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट पे बाइसेक्ट करते हैं, बस इतना है कि इसकी जरूरी है कि डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो जो स्क्वायर है वो हमारे पास रोम्बस भी बन जाएगा और रेक्टेंगल भी बनेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री एंड बोथ डायगोनल आर इक्वल सो ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है कि क्या कंडीशन है कि चारों एंगल 90 के हो और दोनों साइड, क्योंकि पैरेललोग्राम होता है स्क्वायर तो अपोजिट साइड तो पैरेलल और इक्वल होंगी ही होंगी, चारों एंगल 90 के बन गए और दोनों डायगोनल इक्वल हो गए तो जो स्क्वायर है वो हमारा रेक्टेंगल बनता है ऑलवेज। तो क्या कर देंगे कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बिकॉज अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर 90 डिग्री एंड बोथ डायगोनल आर इक्वल सो ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर फोर आपका देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर,
नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल whose diagonal bisect each other whose is named equilateral hmm. यह तो इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में पूछा है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और थर्ड पार्ट में है थर्ड में क्या डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल. अब देखिए क्या है आपका नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो डायगोनल किस किस के बाइसेक्ट करते हैं आपके. एक तो स्क्वायर के करते हैं स्क्वायर के रोम्बस के ठीक है और एक रेक्टेंगल के स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल ठीक है. इन तीनों के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है. तो परपेंडिकुलर एक तो किसके होते हैं स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं. जैसे ये अपने पास स्क्वायर है ना अगर ये फिगर हमारी स्क्वायर है तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स ये चारों एंगल 90 के बनते हैं. ये भी 90 ये भी और ये भी और एक किसका है रोम्बस का. अगर ये रोम्बस है तो इसका ये एंगल भी 90 होता है ये भी और ये भी. तो स्क्वायर और रोम्बस है ठीक है और इक्वल की डायगोनल इक्वल हो. इक्वल तो एक तो स्क्वायर के होते हैं हमारे और एक रेक्टेंगल. स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है इसमें कि स्क्वायर इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या थी आपकी. देखो क्या है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ये आपका स्क्वायर है ए बी सी और डी. तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन है कि उसके अंदर कोई भी टू पॉइंट्स लेते हैं तो वो उसके इन उनको ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन उसके इंटीरियर ही लाई करेगी. एक ये भी होती है उसका ईच एंगल लेस देन 180 होता है कि जिस भी फिगर का हरेक एंगल 180 से छोटा हो उसको हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. कि ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज लेस देन 180 सो इट इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर ठीक है. ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज लेस देन 180 लिख देंगे ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज लेस देन 180 सो स्क्वायर इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट 6th पार्ट ठीक है. इसमें क्या पूछा है कि वही एक्सप्लेन वाई सॉरी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का भी तो ईच एंगल ठीक है. क्वेश्चन नंबर सॉरी 5th में क्या पूछा है कि देखो स्क्वायर भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होता है जो रेक्टेंगल है आपकी वो भी कन्वेक्स होती है. तो यहाँ पे स्क्वायर है तो रेक्टेंगल पूछता है तो रेक्टेंगल चेंज कर देंगे. रेक्टेंगल ठीक है सो रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर और रोम्बस ठीक है और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस ट्रेपेजियम ये सारी आपकी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर होते हैं. रेक्टेंगल स्क्वायर और रोम्बस
ठीक है, ये सारी आपकी क्या होती है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल पूछे तो रेक्टेंगल लिख दें, स्क्वायर पूछे तो स्क्वायर, और रोम्बस पूछे तो रोम्बस, रीजन यही रहेगा। एक और भी डेफिनेशन होती है कि इसके जो दोनों डायगोनल है वो इसके इंटीरियर लाई करते हैं, इसलिए भी ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कि कोई देखो, एक तो डेफिनेशन ये होती है कन्वेक्स की, एक ये होती है कि कोई भी फिगर हो जिसके दोनों डायगोनल उसके इंटीरियर में लाई करें तो वो फिगर भी आपकी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होती है। कि इफ दी बोथ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई इंटायरली देन दी क्वाड्रिलेटरल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया हमने ये एबीसी है और राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी ए बी और सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, या इसको नेम दे सकते हैं, देखो ए बी और सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। देखो ये एंगल 90 का है, इसकी अपोजिट साइड है, इसका मिड पॉइंट क्या है, ओ। एक्सप्लेन वाही ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, ठीक है। डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, कि आप इसकी डॉटेड लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, ये है तो बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ले ली और इक्वल भी, और एबी के पैरेलल और इक्वल एक लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं डी, क्या कर लें देखो, ड्रॉ ए लाइन, डॉटेड बोला है तो हम इसको डॉटेड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ ए डॉटेड लाइन पैरेलल टू, पैरेलल टू किसके देखो, बी सी। ड्रॉ ए डॉटेड लाइन, नेम भी दे सकते हैं ए डी, पैरेलल टू बी सी एंड इक्वल टू बी सी, ये बी सी के पैरेलल और इक्वल हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली ए डी। ऐसे ही, ऐसे ही क्या कि क्या बन गया, ऐसे ही हमने किसके देखो बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया ना, ऐसे ही हमने ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन डॉटेड, डॉटेड लाइन किसके पैरेलल कर लिया हमने, ए बी के, क्या ड्रॉ ए डॉटेड लाइन सी डी पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन होता, पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू ए बी एंड इक्वल टू ए बी, ठीक है। कि हमने जो सी डी लाइन ड्रॉ की है, देखो जो हमने क्या कर लिया, ए डी है वो पैरेलल ड्रॉ की है बी सी के, और ए डी है वो इक्वली है बी सी के, ए डी पैरेलल और इक्वल है। ऐसे ही हमने क्या कर लिया, ए बी है वो पैरेलली है किसके, सॉरी सी डी पैरेलली है किसके, ए बी के, और सी डी है वो इक्वली है ए बी के। अब देखो जो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड, तो देखो ये क्या बन गया कि जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए वो क्या होता है आपके पास, पैरेललोग्राम, वो क्या होता है पैरेललोग्राम। अब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा आपका 90 बनेगा, क्योंकि इसी के पैरेलल और इक्वली है। सेम फिगर ये थी, सेम क्या बन गई, ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये लाइन यहां से ये लाइन इसके पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है। तो अपने पास ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो ये क्या है आपका, क्या बन गया आपका, एक रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम को भी छोड़ के हम क्या बना दें इसको, रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 है इसका, ये भी कितना हो गया 90, यहां भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, और ये भी कितना बनेगा 90 का, ईच एंगल 90 बन गए,
तो ये फिगर क्या बन गया अपने पास, एक रेक्टेंगल। सो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट कर गए तो ओ है वो ए से, सी से और बी से, तीनों से इक्वल दूरी पे है। क्यों, क्योंकि ए सी इक्वल है बी डी के, ओ मिड पॉइंट है तो ए ओ और ओ सी इक्वल है, और ओ बी बी ओ और ओ डी भी इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, ये इसके भी इक्वल है और ये ही इसके भी इक्वल है, और ये चारों आपस में बराबर हो गए, चारों आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये है ना, ये पॉइंट, तो देखो ये इससे भी और इससे भी और इससे भी इक्वल दूरी पे है ओ, तो सो ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी बिकॉज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। क्या लिखना आपको, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, सो ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो ये आपका चैप्टर नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर था 6th, और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स क्वेश्चन है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। क्या लिख देना कि ओ ए इक्वल है ओ बी, इक्वल है ओ सी और इक्वल है ओ डी के। सो ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, रीजन ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसे पूरा करना।